शाजापुर जिले में एससी एसटी के लोगों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और पीड़ितों ने एक दिवसीय धरने पर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। धरने के दौरान जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्य रोड पर जाम लगाकर आवाज को बुलंद किया गया। प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिले में लगातार एससी एसटी के लोगों पर अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में ऐसे कई मामले हैं जिन्हें पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर रोड जाम करने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हरकत में आए और मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी होने का आश्वासन दिया। ये देखिए, शाजापुर जिले में हर दिन एससी एसटी के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक ग्राम ये टांडा खुर्द ग्राम लाला खेड़ी कुलमी में जो हमारे एक अपाहिज भाई है भगवान सिंह, उनको लाठी डंडों से मारा गया और चोरी की नियत से आए वो लोग और उनको कम से कम अभी 35 टाँके लगे, लेकिन प्रशासन ने ना कोई उन पर कोई ढंग से कोई कार्रवाई की गई, इसलिए हमारा आंदोलन था ना पर। और एक बम्बोरी में नाबालिग लड़की कम से कम 9 महीने से गायब है, लेकिन प्रशासन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, इसलिए हमने चक्का जाम किया था। यहाँ के एसडीओपी साहब ने हमें शाजापुर एसडीओपी साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम जो जिन प्रशासन जिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो गलती की गई है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे और आरोपियों को जिस प्रकार से छोड़ा जा रहा है और उनके ऊपर जो धाराएं नहीं लगी वो धारा भी बढ़वा कर हम कानूनी कार्रवाई जो भी होगी पूर्ण तरीके से करेंगे। हम मुद्दा आए थे कि जब से भाजपा की सरकार हो यहाँ पे, सबसे पहले तो ये कहते हैं भाजपा सरकार तो 20 साल से, लेकिन जो अब एसपी साहब जो आए हैं जो उनको जाति को देख कर ये व्यवहार करते हैं, हमें क्योंकि जाति पे इतनी अत्याचार बढ़ गया है और ये ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ये लोग, और इधर वो पूछा है उधर पूछा है कि उस डॉक्टर से लिखवा के लाओ, उस डॉक्टर से लिखवा के लाओ, इसमें डॉक्टर साहब ने भी लापरवाही करी दोनों बेरछा और शाजापुर के डॉक्टर साहब। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।